अगर अगर दोस्तों आपके चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह की 8 बज चुके हैं, तो हमें दोनों बेटी जो है स्कूल चले गए हैं। तो मैंने लंच में आज बनाई हूँ रोटी और एक तरह की सब्जी सिंपल सा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है बहुत गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो गर्मी में सिंपल सा खाना बहुत अच्छा रहता है। तो आइए कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद देखते हैं आगे तक मैं कहाँ तक वीडियो बना पाती हूँ। तो सही बने रहेगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिए हैं। हमारी जो सामान है ना, थोड़ा इधर उधर बिखर गई थी, तो उसको मैंने सेट कर दिए। और घर में छोटे बच्चे हो तो फिर पता ही नहीं चलता, मतलब अभी साफ किया फिर गंदगी की है। और ये थोड़ा बेलकनी टू स्टोर रूम जैसी है, ओपन है तो धूल बहुत होती है, लेकिन हवा बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिए, मतलब झाड़ू लगा लिए। उसके बाद में थोड़ा सा कपड़ा पड़ा था रात की, तो उसको भी मैं सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं बिस्तर सेट कर लूँगी। तो बेड कवर जो है मेरा बहुत गंदा होती है, क्योंकि ओपन है ना हमारी बेलकनी जो ओपन है, तो बहुत गंदा होती है हवा की वजह से। तो अभी जो है धूल मतलब बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं। तो देखिए मैं कांगी से जो है ना हमेशा हमारी बेड कवर को मैं सेट करती हूँ, बहुत सही रहता है और बहुत जल्दी हो भी जाता है। उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ, संग में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, सिर्फ झाड़ू लगाई, उसमें देखिए मेरा कितना पसीना निकल आया है। तो अभी गर्मी स्टार्ट है, समझ लो जून जुलाई में इतनी गर्मी आएंगे, यहाँ पे इतना गर्मी मतलब आप सहन नहीं कर सकते हो। हमेशा जो है ना बाहर लू चलेंगे, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, इतना लू चलेंगे, मतलब गर्म गर्म हवा चलेंगे और इतना घर गंदा करेंगे आप सोच नहीं सकते हो। सुबह शाम हवा चलेंगे, आपका घर गंदा कर देंगे, लू चलेंगे और आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, मतलब बहुत मतलब ख़तरनाक टाइप का मतलब हालत हो जाती है जून जुलाई में। तो यहाँ पे जैसे भी है हमें भाई यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो मेरा काम जो है हो चुके हैं, मतलब झाड़ू पोछा वाला काम, कपड़े धोने वाला काम हो चुके हैं। अब मैं रसोई में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो रसोई में जो मैंने बर्तन धो के रखे थे उसको भी सेट करेंगे, उसके संग खाना भी बनाऊँगी। और मैं हमेशा भूल जाती हूँ, देख हमेशा अक्सर मैं दूध रख के गैस पे मैं भूल जाती हूँ। मेरा 1 किलो दूध है ना आधा किलो हो जाते हैं, इतना मतलब मेरे एक बेड है, बेड है आप बोल सकते हो। मतलब दूध को चढ़ाने के बाद मैं घर का काम करना स्टार्ट करती थी, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, तो हमारे दूध जो है बहुत जल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना चावल भी चढ़ा दिए, तो चावल बनेंगे, उसके साथ मैं सोच रही हूँ कौन सी सब्ज़ी बनाया जाए। तो मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी, ये जो बैंगन की सब्ज़ी थोड़ा अलग टाइप की बना रही हूँ मैं। तो ये इसको हम रोटी के संग भी खा सकती हूँ और हम चावल के संग भी खा सकते हैं, दोनों का काम चल जाएगा। तो इसलिए मैं बैंगन का सब्ज़ी बना रही हूँ। और बैंगन भी मतलब देख के लग रहा था बहुत सुंदर बैंगन है, लेकिन काटा तो ये थोड़ा सा इसका बीज जो है पका हुआ निकला। तो हमने मसाला भी रेडी कर लिया, टमाटर अदरक हरी मिर्च इसको हमने पीस लिए। और बैंगन को सबसे पहले हम तेल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद देखिए हमने बैंगन का निकाल दिए। उसके बाद उसी कढ़ाई में थोड़ा सा फिर तेल डाला, उसमें थोड़ा सा फोड़न डाला, जैसे कि हमारी राई और कड़ी पत्ता और थोड़ा सा सौंफ हमने डाल के फोड़न डाला। उसके बाद प्याज डाल दिए, उसको थोड़ी देर भून लिए। उसके बाद बेसिक मसाला जैसे कि धनिया, जीरा और हमारी हो हल्दी पाउडर, इस तीनों चीज़ को ना थोड़ा थोड़ा मतलब आधा चम्मच लेके हमने पहले भून लिया। उसके बाद जो हमारी टमाटर की प्यूरी है ना, टमाटर की प्यूरी उसको हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने ढक के रख दिया, अब वो धीमी आंच में पकेंगे। इधर हमारी चावल जो है वो पक चुके हैं, इसको हमने छान लिए हैं। तो जब इसका पानी निकल जाएंगे उसको हम उसकी जगह में रख देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी मसाला जो है लगभग पक चुके हैं, लगभग अभी पका नहीं है अच्छे से। तो इसमें हम डालेंगे दही, खट्टी दही जो
हमेशा हम घर में ही जमाते हैं इसको और बहुत अच्छे जमते भी है। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच के आसपास दही डाली हूँ। तो मेरी जो बैंगन जो है ज़्यादा है और मसाला भी ज़्यादा है, इसलिए देख के मतलब उसके हिसाब से डालना है। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच दही डाली हूँ, तो उसको भी हम धीमी आंच में पकाएंगे और इसको ढक के रख देंगे। और इधर देखिए चावल से हमारे पानी निकल गए, तो इसको हम रख देंगे उसी बर्तन में और ढक के रख देंगे, तो चावल हमारे गर्म रहेंगे। तो देखिए आप जो है और एक सब्जी बनानी है, तो हमने एक चम्मच खसखस लिए और 1 चम्मच हमने पीला राई लिए और 3 हरी मिर्ची, इस तीनों चीज़ों को हम पीसेंगे। और इधर देखिए दोस्तों हमारी मसाला जो है पक चुके हैं अच्छे से, तो हमने यहाँ पे रख दिए हैं नमक। नमक रखने के बाद फिर हमने थोड़ी देर चलाए, उसके बाद जो हमने बैंगन और शिमला मिर्च लिए ना, इसको भी हम चला लेंगे अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ग्रेवी बना लिए। नमक जो है ना, पहले मैंने बैंगन और शिमला मिर्च में डाल के इसको हमने भुना था, इसलिए हम मसाला के अनुसार हमने नमक डाला है। तो नमक जो है अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। हमारी एक सब्ज़ी बन चुकी है और एक सब्जी मैं बना रही हूँ जो है मछली का सब्ज़ी। सबसे पहले इसको मैं फ्राई करूँगी और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रही थी। बैंगन की सब्ज़ी जो है ना बहुत टेस्टी लग रही थी, देखने में जितना सुंदर मतलब खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और इधर देखिए हमारी मछली की सब्ज़ी भी बन चुकी है। सरसों बाटा बनाया मैंने, तो उसमें सारे चीज़ जो हमने सरसों और खसखस को हमने बाटा था मतलब पीसा था, उसको हमने इसमें रख दिए। उसमें थोड़ा सा सूखा मिर्च रख दिए, 1-2 हरी मिर्च रख दिए, थोड़ा सा उतरने के टाइम हमने डाल दिए सरसों का ऑयल। तो बन गया हमारी सरसों का मतलब मछली। तो इधर देखिए हमारी बैंगन की सब्ज़ी बनी है। बैंगन की सब्ज़ी आज जो था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लग रही थी। इसको आप रोटी के संग, चावल के संग, दोनों चीज़ों के संग आप खा सकते हो, मतलब दोनों चीज़ों के संग आप खा सकते हो आराम से। उसके बाद ना मैं बहुत देर काम कर लिया, उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने ना 1 खीरा और 2 टमाटर काटा है। मैं इसको खाऊँगी क्योंकि सलाद जो है ना मुझे मतलब खाना खाने के टाइम खाने में अच्छा नहीं लगते, उससे पहले खा लो तो बढ़िया है, वरना खाना खाने के टाइम मैं सलाद नहीं खा पाती हूँ। ये है हमारी पतिदेव के लिए थाली मैंने लगा दी है, तो और ये मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ। तो देखिए मैं इसके संग हमारी थाली के संग मैं खा रही हूँ आज खट्टी दही, जो चावल के संग बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे पति से बाहर गए हुए थे 3-4 दिन के लिए, तो वो ये चॉकलेट लेके आए, वो नहीं लेके आए, मेरे भाई ने भेजा है इनके हाथ पे। तो ये जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ से बहुत दूर थे, तो उनने बुलाए थे, वो जा नहीं पाए काम की वजह से, लेकिन जब आने वाले थे तो स्टेशन में आके उनने ना ये चॉकलेट मेरे दोनों बेटी के लिए भेज दिए। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा वो छोटा सा भाई कितना बड़ा हो गया और मेरे बच्चों के लिए चॉकलेट भेजे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बाबा श्री राजन जैसे कृष्ण।